भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, जय श्री राम। सर्वप्रथम आज की तृतीय दिवस की मंगलमय आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्री मौलिक परिवार से आग्रह है कि पावन आरती में आप सभी पधारें। हमारे बीच देहू मोहरे महाराज परिवार से पधारे हैं, उनसे आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। एमपी एमएलए साहब आमदार जी हमारे बीच आज पधारे जी, श्री दादा वैदिक जी माने श्री शंकर सेठ जी, श्री आमदार योगेश जी, आप सभी से आग्रह है, आप सभी बाबा मंच पर आ चुके हैं। आप सभी पहले वाले और दूसरे वाले मंच पर आ जाएं आरती के लिए, और आरती कर करके आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जहां है वहीं से प्रणाम करके आप मंच से प्रस्थान करेंगे। जो बाकी के जो वॉलंटियर सेवादार हैं वो सबसे नीचे जहां कैमरे लगे वहां जाकर के आरती करेंगे। भाई चलते हैं सर्वप्रथम आज की मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्य नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोता दुवाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरति की जय हनो मान लला की दुष्ट रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट रघुनाथ कला। जाके बल से गिरिवर का पे रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजलि पोत महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई सदा सुपोती समूत सिखाई जाति पवन सुत पार न जाई। लंका जारी असुर संघारे सिया राम जी के राज सवारे Keep
कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी सर्वाणी निसंदो प्रतिक्षलायाम पदे पदे जले न शीतले गर्णम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाये नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम। जगेन जगमय जमते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नों तेहिनाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे सद्य शंति देवा। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदंते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीतावल्लवाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे श्री सीतावल्लवाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यं नमः। मन पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम हनुमते नमः। भोले बागेश्वर धाम की जय। बालाजी सरकार की जय। सभी लोगों से निवेदन है कि भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। महाराष्ट्र की पावन धरा पुणे में पधारे सभी बागेश्वर धाम परिवार के धर्म प्रेमी आस्थावान एवं कथा रसिक एवं घर बैठकर संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। मुख्य यजमान परिवार, मुख्य आयोजक समिति, समिति के सभी सदस्य मंडल, आप सभी के संकल्प से हम आप सभी 3 दिन तक श्री हनुमान कथा हनुमान चालीसा के माध्यम से हम आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं और हम सबका परम सौभाग्य है। आयोजक समिति, आयोजक परिवार, माननीय श्री जगदीश मौलिक जी एवं उनकी पूरी टीम, इन्होंने इतनी मेहनत की, 20 दिन में पूरी तैयारी की, एक बार पूरी टीम का, आयोजक परिवार का हम तालियों से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। तीन दिन का महाउत्सव, आज कथा का विराम दिवस यानी कि तीसरा दिन है। 3 दिन तक हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं और आज कथा का तृतीय दिवस है। कथा के मध्य में ही हम आप सभी पर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हुई और सभी की अर्जी, सामूहिक अर्जी के माध्यम से स्वीकार हुई, सभी पर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा हुई। आज पुणे के बाद गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रम 26 नवंबर से 30 नवंबर तक गुजरात के गांधीधाम कच्छ में 5 दिन तक श्री रामचरित चर्चा पर हम आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद पुनः 6, 7 और 8 महाराष्ट्र के परभणी में 3 दिन तक श्री हनुमान कथा हम आप सभी पुनः गुरुदेव भगवान का आगमन होगा महाराष्ट्र की पावन धरा में, तो आप सभी पहुंच सकते हैं। 3 दिन तक गुरुदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भजन कथा का आनंद ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम परिवार के द्वारा ऐसे अनेक अनेक लगातार संकल्प चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के पावन सानिध्य में गुरुदेव भगवान ने अपने भक्तों के लिए जो ऐसे परिवार हैं, ऐसी बहन, ऐसी बेटी जिनके मां बाप नहीं हैं,
या धन के कारण उनके विवाह में बाधा आती है, तो गुरुदेव भगवान ने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए उन्होंने संकल्प लिया 4.5 वर्ष पूर्व कि जब भी बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा होगी और सभी भक्तों के सहयोग से, सभी बागेश्वर परिवार के सहयोग से ऐसी बेटियों बहनों का हम विवाह करवाएंगे और 2020, 21, 22 और 23 लगातार विगत 4 वर्षों से 2020 में 21 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ, 2021 में 19 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ, 2022 में 108 का विवाह संपन्न हुआ, 2023 में 125 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ और पुनः गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि 2024 में यानी कि 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह संपन्न करवाएंगे। भारतवर्ष की कहीं की भी बहन बेटियां हो, आप उनको बागेश्वर धाम लेकर आइए। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा। पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में की जाती है। पूरी सामग्री उपहार के रूप में सोने चांदी से आभूषण से लेकर टीवी, फ्रिज, अलमारी से लेकर के किचन की पूरी सामग्री गुरुदेव भगवान अपनी बेटियों को देते हैं। इसके साथ ही गुरुदेव भगवान ने यह भी संकल्प लिया कि इस वर्ष हम अपनी बेटियों को पूरी सामग्री उपहार के रूप में आप सभी के सहयोग से देते ही है। 151 बेटियों को 151 बाइक यानी कि मोटरसाइकिल भी देंगे। तो लगातार बागेश्वर धाम परिवार द्वारा और आप सभी के सहयोग से ऐसे संकल्प चल रहे हैं। आप भी गुरुदेव भगवान के ऐसे पावन संकल्प में जुड़े और कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप भी कन्यादान में सहयोग कर सकते हैं। रामेश्वरम के लिए आप यजमान बनने के लिए 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक 5 दिन तक गुरुदेव भगवान रामेश्वरम में रामचरित चर्चा पर कथा श्रवण कराएंगे। तो रामेश्वरम में एक हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, केवल सीमित यजमान वहां पहुंच रहे हैं, तो आप भी यजमान बनने के लिए बागेश्वर धाम का जो कार्यालय है और बागेश्वर धाम के जो नंबर है, जो बागेश्वर धाम सरकार की ऑफिशियल साइट है, यूट्यूब चैनल है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से, या संस्कार चैनल पर, बागेश्वर धाम चैनल पर बागेश्वर धाम कार्यालय के जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप संपर्क करके यजमान बनने के लिए आप पुण्यलाभ प्राप्त कर सकते हैं। यजमान बनकर उसके लिए आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और गुरुदेव भगवान के साथ चल करके आप रामेश्वरम में भोलेनाथ की कृपा, बागेश्वर वाली सरकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं 5 दिन तक। आइए चलते हैं आज की तृतीय दिवस की श्री हनुमंत कथा में प्रवेश करते हुए, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बोले बागेश्वर धाम सरकार की, उच्च गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। सुतम सौ के विनाशकारकम नमामि विघ्नेश।
सर्वपादपङ्कजम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यापरपादुकाभ्याम् आचारुसिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं विपद्ये मनोजवं मा रुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं मतांवरीष्टं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लघु वज्र देह दानव दलम जय 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 कपीशो राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर आये सुवासन बैठियो तेज पुंज कबीर तेज पुंज
बचकर वो मुझ पे नजर रखता है, हर नजर से बचकर वो मुझ पे नजर रखता है। मेरे एक बालाजी ही तो हैं जो मेरी हर खबर रखता है। कानो हाथ उठाकर लोग बड़े कंजूस हैं, भंडारे में आए हो क्या? हैं? उठाओ दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सनातन धर्म की, भारत माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, संत श्री ज्ञानेश्वर माउली की, संत श्री नामदेव जी महाराज की, जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, कथा यजमान जी की, उनके पूरे परिवार की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, जोर से बोलो, बैठ जाओ। परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी सरकार, जिनकी मंगलमयी कृपा के प्रसाद से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजमन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम
वानरा रामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, ऐसे ज्ञान के निधान गुणों के सागर भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते एवं संत श्री ज्ञानेश्वर संत श्री तुकाराम महाराज जी संत श्री नामदेव जी महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करके प्रार्थना करते किसी ना किसी रूप में यहाँ विराजमान हो जावे एवं यहाँ विराजमान सभी संतों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम और महाराष्ट्र की यह पावन धरती जिसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, जहां अष्ट विनायक भगवान रूप में श्री गणेश जी विद्यमान हैं और जहां हो गणेश वह नगर रहता है विशेष, ऐसी पावन धरती पुणे की इस रज को भी हम प्रणाम करते हैं और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को भी वंदन करते हुए तीनों पंडालों में जो जहां जहां विराजमान है एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जोग पानी करूं प्रणाम जोड़ी जोग पानी सीताराम सीताराम साधु जी। और देखो कथा प्रारंभ हुई कि कथा के पूर्व में ही प्रारंभ के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही प्रिय और हमारे गुरुजी जगतगुरु भगवान के बड़े ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी आप आ जाए हैं। बोलो कैसे हो, आनंद में हो, रहना ही चाहिए और कब तीन दिन निकल गए पता ही नहीं लगा और आज कथा का आज तृतीय दिवस है और इस कथा के मुख्य यजमान बड़े ही लाडले बागेश्वर हनुमान जी के श्री जगदीश मुलिक जी आपने अद्भुत व्यवस्था की है जिसके परिणाम तहा यहाँ पुणे महाराष्ट्र में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सनातनी जाग गए हों, अपने अपने घर से बाहर निकल कर आ गए हों। जय सियाराम। और आज कथा के विराम दिवस पर हमारे बड़े ही प्रिय हैं, गुरुजी के भी बड़े ही प्रिय हैं, जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार के यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी आप विद्यमान भय कथा में, आपको भी व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद है और सभी विराजमान श्रोताओं को भी श्री सीताराम। मेरे प्रिय साधको, हम लोग तीन दिवस से भगवत चर्चा कर रहे हैं, एक काम करते हैं भगवत चर्चा प्रारंभ करें, दो मिनट आपका उद्बोधन करा दीजिए इसके बाद। दो मिनट आप जरूर बोल दीजिएगा, आपका बहुत इंतजार कर रहे लोग। सीताराम
हम आज जो है सुबह से देहू भी गए थे, आपको बता दें हम देहू भी गए, संत श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज जी को वहां पर प्रणाम करने गए थे। तो आप आई हैं तो हम तो यही कहेंगे जो पालकी चलती है पंडरपुर तक वो वाला काम आप जल्दी पूरा करवा दो। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, आपका स्वभाव बड़ा सरल है और संतों के प्रति आपका स्वभाव भी बड़ा सरल है, भगवान करे आपको काहू की नजर ना लगे। और एक बार बहुत ताली बजाकर स्वागत करो। देखो भाई, लोगों को लगता होगा कि पता नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे, सच बोलें तो हम उप मुख्यमंत्री जी को बहुत ही लाइक करते हैं क्योंकि ये हमारे गुरुजी से भी जुड़े हैं और संतों से भी बहुत जुड़े हैं। और जो राम का है हम इसलिए नहीं मानते कि ये मुख्यमंत्री हैं या ये किसी पार्टी के हैं, हम इसलिए मानते कि ये राम जी के हैं। जो राम का है वो हमारा है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, वो तो पूरी दुनिया का कुछ भी बन जाए। तो ये राम के हैं इसलिए हमारे हैं और मुंबई तो हमारा घर ही है, तो वहां रहते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि दो मिनट आप जरूर बोलें, जय सियाराम। बोलिए बागेश्वर बालाजी भगवान की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पंडित जी आज बागेश्वर धाम को लेकर आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हमारे पूना में पधारे हैं। तो मैं आप सभी की ओर से और पूरे महाराष्ट्र की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। जिस प्रकार से वे लगातार सनातन की सेवा कर रहे हैं और सोए हुए सनातनियों में अलख जगा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि पूरा देश जाग रहा है और भारत जागेगा तो दुनिया जागेगी। और आज वही चीज हम लोग देख रहे हैं, भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को एक नया इतिहास रचा जा रहा है और प्रभु श्री राम जी का मंदिर फिर उसी जगह पर तैयार हो रहा है जहां राम लला विराजमान थे। महाराज जी, आप जब सनातन की बात करते हैं तो हमारे यहां पर कई लोग दुष्प्रचार भी करते हैं, कहते सनातन यानी केवल रूढ़िवाद, सनातन यानी जातिवाद, वो सनातन का मतलब नहीं समझते। सनातन का मतलब जो अनादि है और जो अनंत है वो सनातन है और वो विचार भारत का विचार है, जो सबको जोड़ने वाला विचार है, जो सबको एक साथ बांधने वाला विचार है, जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, हम सारे के सारे एक ईश्वर की संतान है। इस प्रकार का जो विचार है उस विचार को हमारे देश में प्रतिपादित करने का काम आज महाराज जी कर रहे हैं। और पूना के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि 3 दिवस का आपको सानिध्य मिला, आपको आशीर्वचन सुनने को मिले और विशेष रूप से प्रभु श्री राम जी की कथा आप तक पहुंची। जिसको प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने को मिलती है मैं ऐसा मानता हूं कि उसका जीवन सफल होता है और वो जीवन सफल करने का मौका आपको मिला। मैं फिर एक बार महाराज जी आपका बहुत बहुत दिल से मन से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक
चीज का उल्लेख यहाँ करना चाहिए कि हमारे जगदीश मुळीक जी जिन्होंने इसका आयोजन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जगदीश जी का, कि जगदीश जी ने स्वयं जाकर महाराज जी को निमंत्रण देकर यहाँ पर हनुमान जी की कथा आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर बुलाया, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे चंद्रकांत दादा, हम सब लोग उनके निमंत्रण पर यहाँ आए और महाराज जी का दर्शन लिया, तो आपका दर्शन मिला, लेकिन माध्यम तो ये बने, तो इनको भी धन्यवाद देना होगा, इसलिए जगदीश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। चरित्र में हम लोग गुरु महिमा पर वार्ता कर रहे हैं। एक चौपाई रामचरितमानस की है और एक चौपाई कहां की है? हनुमान चालीसा की है। और चौपाई सबको याद हो गई होगी, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण की रज जिसको प्राप्त होती है उसका भाग्य नहीं परम सौभाग्य माना जाता है। तो बोले, गुरु की कृपा करती क्या, गुरुदेव के मुख का तो दर्शन करना ही चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में कली कुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पाद नाख मणि गणे ज्योति, श्री गुरु पाद नाख मणि गणे ज्योति, सुमेरति दीप दृष्टि ही होती, सुमेरति दीप दृष्टि होती। और हनुमान जी कैसे हैं और क्या प्रार्थना है हनुमान जी से? जय 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 हनुमान कैसे करो, हनुमान जी कैसे कृपा करो, गुरुदेव की नाई। अच्छा, गुरु की नाई क्यों, गुरु की ही तरह क्यों? क्यों गुरु की तरह? इसलिए क्योंकि गुरु का काम होता है शिष्य के विकार को निकालकर विचार को परिवर्तित करके परमात्मा से मिला देना, यह गुरु का काम होता है। इसलिए हे हनुमान जी, आप भी हम पर गुरु की तरह कृपा करो। एक बात और, मेरे प्रिय साधको, गुरु देव की नाई हनुमान जी से हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ज्ञान नहीं देते, गुरु ज्ञान भी देते हैं और गुरुदेव तो भगवान भी देते हैं। अच्छा, विकार कैसे निकालते हनुमान जी? क्या हनुमान जी ने किसी के विकार निकाले? बोले निकाले हैं। बोले किसके? तो विचार करना, हम एक दिन कथा सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें समझ में आया कि एक व्यक्ति के विकार हनुमान जी ने निकाले। पूछो किसके, जोर से पूछो किसके विकार। अच्छा विचार करो, किसके विकार निकाले हनुमान जी? लंका जब वीर बजरंग बली जाने लगे, लंका, और लंका के दरवाजे पर एक देवी जी मिल गई। क्या नाम? लंकनी।
और जैसे ही लंकनी ने हनुमान जी को देखा, ए बंदर कहां जा रहे? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे। कहां? लंका में। लंकनी बोली जब तक हम पहरेदार हैं तुम तो छोड़ो, मच्छर भी नहीं प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी बोले नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं, हम मच्छर थोड़ी है। नहीं नहीं छोटे लग रहे। हनुमान जी बोले हम मच्छर नहीं है, मशक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी बोले हम मच्छर नहीं है, मच्छर जैसे हैं। लंकनी बोली फिर भी आप जा नहीं पाओगे, आप जानते नहीं हो मैं इतनी खतरनाक पहरेदार नहीं हूं कि मेरे कारण आज तक कोई लंका में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर पाया है, और मैं चोरों को घुसने नहीं देती। हनुमान जी बोले तुम्हारी बड़े ठटरी। लंकनी बोली क्यों? हनुमान जी बोले तुम चोरों को घुसने नहीं देती कि चोरों की रखवाली करती हो? लंकनी बोली मतलब? हनुमान जी बोले तुम चोरों से लंका को बचाती हो या चोरों की रखवाली करते? लंकनी बोली हम तो चोरों से लंका को बचाते हैं। हनुमान जी बोले झूठ। लंकनी बोली कैसे? हनुमान जी बोले तुम चोरों से बचाती नहीं हो लंका को, चोरों को रखाती हो। लंकनी बोली कौन? हनुमान जी बोले सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा बाप रावण ही है। रावण से बड़ा चोर कौन होगा? लंकनी बोली उन्होंने क्या चोरी की? वो तो हमारे राजा है, उन्होंने क्या चोरी की? हनुमान जी बोले माता जानकी जी का चोरी का हरण तो कर लाया, अब वो चोरी नहीं तो क्या सीना जोरी है? तो सबसे बड़ा चोर तो रावण है, और तुम रावण को नहीं खा पाई, हमें खाने की बात कर रही हो। लंकनी बोली फिर भी कुछ भी हो जाए वो हमारे राजा है, उनको नहीं हम छोड़े, तुम्हें नहीं हम घुसने नहीं देंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, तुम्हारे अंदर है विकार, हम निकाल के बताएंगे। हनुमान जी ने विकार कैसे निकाला जरा सोचना, यही गुरु का काम। मुठ का एक महाकपिहानी रुधिर पमत धरनी करुणानी। 1960 डिग्री घुमा के जब मशक नहीं दिया लंकनी के, 3200 दांत खीसा फूट गए, खून निकला, और खून को कहते हैं रक्त। और जैसे ही मुंह से निकला रक्त, एक मुक्का में ही लंकनी हो गई विरक्त। खून से मुंह से निकला रक्त और एक मुक्का में ही तुरंत हाथ जोड़ के बोली बजरंग बली आपकी जय हो। हनुमान जी बोले नहीं दूसरा ले लो, दूसरा ले लो। बोली नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी बोले वो तो टेलर था, पिक्चर बाकी है। लंकनी बोली नहीं नहीं हम पहचान गए, पहचान गए, पहचान गए। हनुमान जी बोले क्या पहचान गए? लंकनी बोली महाराज जब रावण ही ब्रह्म वरदीना, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब ब्रह्मा जी ने जाते जाते मुझसे कहा था चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। चलते समय ब्रह्मा जी ने कहा था अरे ओ लंकनी सुनो सुनो सुनो, जब विकल हो सीते कपि के मारे, जब कोई बंदर तुम्हारे 3200 खीसा फोड़ दे तब समझ जाना रावण का राम नाम सत्य होने वाला है। हनुमान जी धीरे से बोले तुम ठीक पहचान गई, नहीं तो हमें 2 मुक्का और मार के 13वीं करवा देनी थी। बिल्कुल राम नाम सत्य है। लंकनी बोली नहीं महाराज हम बचार समझ गए। तो देखो हम आपको बताना ये चाह रहे कि हनुमान जी हैं गुरु, और गुरु का काम क्या है? शिष्य के अंदर के विकार को निकाल कर विचार को बदल देना, और फिर वही लंकनी जो रावण की भक्त थी हनुमान जी की एक मुक्का मारते ही वह राम की भक्त हो गई है। और गुरु जी भी क्या करते, गुरु जी भी क्या करते हैं? गुरुदेव भी तो यही करते हैं, जब चेला बात नहीं मानता है तो गुरुजी कान पकड़ के 2 चांटा मारते हैं शिष्य पर, और जब 2 चांटा मारते हैं तो चेला भी सुधर जाता है। मेरे प्रिय पागलो, मेरे प्रिय स्नेही जनों, हम यही कहना चाहते हनुमान जी जैसा गुरु कौन होगा जो विचार भी बदल देते हैं और विकार को भी निकाल कर निर्विकार कर देते हैं, ऐसे केवल हनुमान जी महाराज है। इसलिए जय है जय है जय हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम।
है जय हनुमान गोसाई। कैसे हमारे हनुमान जी महाराज गुरु जी हैं? कैसे गुरु वो जिनके पास जाते ही हमारे विकार निकल जाएं, गुरु वो जिनके सन्मुख बैठते ही हमारे विचार बदल जाएं, गुरु वो जिनकी सेवा में रहते ही हम निर्विकार होकर के अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए और आत्मा का ज्ञान होते ही परमात्मा का भान हो जावे। ये गुरु का काम है। लेकिन हम लोगों की भी एक आदत, शिष्यों की भी तो कोई धर्म है, गुरु भर का धर्म नहीं है, चेलों का भी धर्म है। अच्छा, चेले भी कम नहीं होते, शिष्य भी बहुत खतरनाक होते हैं, गधों की सुन लेंगे गुरु की नहीं सुनेंगे। गधों की मान लेते हैं गुरु की नहीं मानते हैं। एक बार पुणे के दो चेला, एक का नाम चंगीलाल एक का नाम मंगीलाल, दोनों संगम बाड़ी में ही रहते हैं। आज तो लास्ट दिन है, आज तो फ्री है सब। संगमबाड़ी के दो चेला, एक का नाम चंगीलाल एक का नाम मंगीला, हम तो दो घंटे के मेहमान है, अपना तो कथा बोलने उड़ जाने। तो सुनो सुनो संगमबाड़ी के लोगों सुनो, चंगीलाल मंगीलाल हमारे पास आए गुरु पूर्णिमा को, गुरु जी प्रणाम, हमका चेले खुश रहो कल्याण हो, गुरु जी आशीर्वाद दो, उनका कल्याण मंगल हो, जाओ सब प्रकार से तुम्हारा ठीक हो, अलाय बलाय भग जाए। गुरुजी अब आज्ञा दो, हम जाएंगे कहां, संगमबाड़ी वापस, बागेश्वर धाम से वापस। हमने कहा नहीं नहीं रात हो गई, रात को मत जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं गुरुजी बहुत काम है, चार पांच लोग हमारे साथ में हैं, मित्र हैं, उन्हें काम है जरूरी, हम फिर आएंगे फिर आएंगे। नहीं मानी हमारी, चले गए। बागेश्वर धाम से 5 किलोमीटर आगे निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। एक मित्र बोला तुम्हारे गुरुजी बहुत जानते हैं, सिद्धि है हनुमान जी की, उनकी बात मान लेते रात रुक जाते, ले ओ बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काटी, इतने में कुत्ता रास्ता काट गया। दूसरा बोला आज तो रास्ता ही कट रही, लफड़े हैं कुछ। इतने में उसने एक और देखा, जैसे ही 6 किलोमीटर आगे निकले, बीच रास्ते में गधा रो रहा। अब तो चारों पांचों ने मन में विचार किया, अभी पहले बिल्ली निकली फिर कुत्ता निकला अब गधा। एक एक संगमबाड़ी का जिसका नाम था टिल्लू गुरु भी था उसी कार में, वो बैठा बैठा बोला भैया लंबा लफड़ा है, अपन को तो नहीं जाना है, चलो वापस। रात को ही लौट कर हमारे पास आए, हमने कहा क्या हुआ वापस क्यों आ गए, बोले गुरु जी दरअसल रास्ते में गधा रो रहा था। हमने कहा ठटरी के बड़े, गुरु की मानी नहीं गधे की मान ली तुमने, बताओ। ऐसे लोग होते हैं, गुरु की मानते नहीं गधे की सुन लेते हैं। खैर संगमबाड़ी के नहीं थे, बाद में वेस्ट इंडीज का पता निकला उनका, क्योंकि अभी 2 घंटे अपन को सुरक्षित रहना भी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे प्रिय पागलो, केवल गुरु का धर्म नहीं, शिष्य की चौपाई कह रही है। क्या शिष्य का धर्म है? क्या धर्म है? शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? समर्पित। समर्पित का मतलब मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जरूरी नहीं गुरु तुमसे बात करे, जरूरी नहीं गुरु तुमसे मुलाकात करे, गुरु की दृष्टि तुम पर पड़ जाए, इतने में ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। और जो अपने आप को गुरुदेव के हवाले छोड़ देता है, मेरे पागलों, पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले मेरे प्रियजनों, हम तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, याद रखना जिसका गुरुदेव से वास्ता होता है उसका उलझनों में भी रास्ता होता है। इसीलिए तो जय 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 हनुमान गोसाई गाओ, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो जय राम 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 जय रा
के साथ साथ पराठे खा ले मूली के, 8-10 पराठे मूली के और 4-5 मूली ऊपर से सलाद में ले लो, फिर पेट बार बार मूली की सुगंध बाहर आती है, कई बार तो कई फंक्शन खुल जाते। लेकिन हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि अच्छी मूली खा ली जाए, 8-10 मूली, मूली के पराठे, मूली की चटनी, मूली की सलाद, और गैस ना निकले। मूली की चटनी, मूली की सलाद, मूली के पराठे खूब खा लें और गैस ना निकले। फिर आदमी कहेगा पेट जाए फाड़ दो, हमें तो बैठो नहीं जा रहा। जिन्हें गैस बनती है उनका दिमाग खराब रहता है, उन्हें सावन में भी सूखा जून का नजर आता है, सावन में भी जून का सूखा नजर आता है। फिर लेकिन अगर उनका उनको थोड़ा हिला डुला दिया जाए, थोड़ा कसरत करा दी जाए या एक हाजमा की गोली खिला दी जाए, और जब उनके मुंह से निकले वाह राम, तब उन्हें इतनी संतुष्टि होती है जिस प्रकार 10 साल बाद किसी के पागलों मन का विकार निकलने पर हमारे मन को भी आराम लग जाता है और राम का साक्षात्कार हो जाता है, राम जी का साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा एक बात और मेरे प्रिय जनों, आज कथा का विराम दिन है, आज बहुत गंभीरता से सुनना है। आप अगर गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे, आप अगर हनुमान जी की शरण में आ जाएंगे, फिर आपके मुंह से जो भी निकलेगा वही सत्य कहलाएगा। अच्छा इसका मतलब सिद्धि आ जाएगी? ना ना ना, इसका मतलब यह है कि आप वही बोलेंगे जो सत्य होगा। क्यों? गुरुदेव की शरण में रहने वाला शिष्य हमेशा अनुशासन में रहता है, और जो अनुशासन में रहता है उसी का प्रशासन होता है, उसी का शासन होता है। टिकने का उपाय है अनुशासन। हम आपको एक सत्य घटना सुना रहे हैं वाणी के ऊपर, तो एक प्रदेश है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में एक शहर है जयपुर, और राजस्थान बड़ा ही समृद्ध प्रदेश है। जयपुर में उदयपुर, क्षमा करिए जयपुर नहीं है उदयपुर, उदयपुर में एक मंदिर है श्री चतुर्भुज जी का, उनका नाम है चतुर्भुज। वहां एक पुजारी हुए श्री देवा पंडा जी, नाम उनका देवा पंडा जी, वो ठाकुर जी के बड़े भक्त। चतुर्भुज भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रोज पूजा करते, रोज ध्यान करते, रोज अर्चन करते, सुबह शाम आरती गाते, रोज लक्ष्मी नारायण की जय जयकार करते। जो घटना है ये बहुत पुरानी है, तो वो मंदिर वहां के राजा ने बनवाया था। राजा का नियम था कि मंदिर में रोज शाम के समय प्रणाम करने राजा जाते थे, तो पंडित जी क्या करते थे, देवा पंडा जी जो पुजारी जी थे, वो भगवान के गले की माला निकाल कर और राजा के गले में रोज डालते थे। राजा का भी रोज का नियम और पंडित जी का भी रोज का नियम। कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, एक दिन अकस्मात राजा को देर हो गई शाम के समय। पंडा जी ने सोचा कि अब तो राजा आने वाले नहीं है, राजा शायद क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, एक काम करते हैं, भगवान की माला पटक बंद करने का समय हो गया, दरवाजा बंद करना है, आज की माला हम पहन लेते हैं। उन्होंने माला ली, धारण कर ली, लेकिन जैसे ही धारण की तब तक मंत्री भागा भागा आया और खबर दी, महाराज राजा आ रहे हैं। अब तो ये डर गए, रोज का नियम था माला रोज देनी थी, और राजा आ रहे हैं, माला तो हमने धारण कर ली, हमारे गले में अगर राजा माला देखेंगे नाराज हो जाएंगे, क्या किया जाए, मंदिर भी बंद हो गया, दूसरी माला भी नहीं है,
अपनी माला निकाल कर उसको कपड़े में लपेट कर ऐसे बनाकर रख दिया मानो राजा के लिए अभी भी रख रखी हो। झूठ मूठ कर भगवान से प्रार्थना की, क्षमा करना भगवान, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सेवा से ये राजा भगा देंगे। राजा आया, राजा के गले में पंडा जी ने माला डाली, लेकिन राजा माला को देखकर पहचान गया कि ये माला भगवान के शरीर की नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर की चढ़ी हुई माला से खुशबू इत्र की आती है, इसमें से खुशबू गायब हो गई, पुष्प कुछ झड़ गए हैं, पंखुड़ियां कुछ झड़ गई हैं। राजा ने कहा, पंडित जी, जी 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 महाराज, क्या ये माला भगवान की है? हाँ हाँ महाराज, झूठ मत बोलो, क्या ये माला किसी ने पहनी है? नहीं नहीं महाराज, भगवान ने ही पहनी, ठाकुर जी की पहनी पहनाई आपको दी है। ना ना ना, हमको नहीं लग रहा है। राजा ने जब गौर से माला देखी तो माला में पुजारी जी का एक सफेद बाल फंस गया था। राजा ने चोरी पकड़ ली। ए पंडित जी, बड़ा झूठ बोलते हो, आप कहते हैं किसी ने पहनी नहीं, पहनी नहीं तो ये बाल कहां से आया? तो पुजारी जी ने सफेद नहीं देखा, दूर से कह दिया, महाराज भगवान का होगा। तो राजा ने कहा, कल तक तो भगवान के बाल काले थे, आज सफेद हो गए क्या? पुजारी जी बोले, हाँ महाराज सफेद है, सफेद सफेद बाल। अब तो और पुजारी जी डर गए। ध्यान देना, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। पुजारी जी झूठ बोलते गए और फंस गए। राजा ने अंततोगत्वा कहा, महाराज अगर भगवान के बाल सफेद हैं तो कल प्रातः काल होते ही सबसे पहले मंदिर में राम ठाकुर जी के दर्शन हम करेंगे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन हम करेंगे, हम देखते हैं बाल सफेद हैं या काले, और अगर सफेद नहीं पाए गए तो पुजारी जी याद रखना, तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा और तुम्हारे वंश का खानदान का कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान की सेवा में पुजारी नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजा की बात सुनकर पूरे नगर में हल्ला हो गया, पुजारी जी डर गए। अब ना तो सत्य बताते बने, ना कुछ बोलते बने, पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, हाथ में माला ली, मनी मन सोचने लगी कि भगवान के बाल तो काले हैं और राजा को सुबह दर्शन करना है, सुबह दर्शन करेंगे तो स्वभावतः काले बाल मिलेंगे, और काले बाल मिलेंगे राजा हमें मार डालेगा, क्या किया जाए। राजा ने भी पहरेदार लगवा दिए कि कहीं पुजारी जी रात को डेंटिंग पेंटिंग ना कर दे, पहरेदार लग गए। अब तो पुजारी जी खूब परेशान, लेकिन देखना भक्त के बस में भगवान। हाथ में माला ली, मंदिर के पीछे जाकर के पुजारी जी, डर है कि कल प्रातः काल अगर काले बाल राजा को मिले, आपके काले बाल ही हैं, और सरकार अगर राजा काले बाल देख लेगा तो भविष्य में दुनिया में कभी कोई पुजारी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कभी कोई पुजारी की बातों पर भरोसा नहीं करेगा। ठाकुर जी हमें मरने का डर नहीं है, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमें इसका भय नहीं कि हम मर जाएंगे, हमें दो भय हैं, एक तो ये आपकी पूजा से हम विमुख हो जाएंगे, आपकी सेवा से हम दूर हो जाएंगे, और कभी फिर कोई भक्त के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, सबका भरोसा टूट जाएगा। ठाकुर जी आंखों में आंसू भरे, हाथ में माला लिए, होंठ कंपनमान हो रहे, कोने में बैठे, भोजन ही नहीं किया रात को, ना 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 कोई भोजन नहीं, हाथ में माला, गुरुदेव के मंत्र का जाप कर रहे, हे गुरुदेव कृपा कर दो, लक्ष्मी नारायण नाम का जाप कर रहे, आंखों में अश्रू भर करके। मध्य रात्रि जब हो गई, आधी रात, चिघारते हुए मंदिर के पीछे रो रो करके कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल आपके बिना कोई और नहीं, और हम अपनी ये आफत और ये विपदा सुनाएं किसको। आंखों में आंसू भरते भरते पूरी रात रोते रहे। अब सुबह हुई,
तो तमाशा देखने वाले लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। अभी हम कह दें कि कथा में आना है तो इतने लोग आए, अगर ये कह दें कि भैया हम तमाशा दिखाएंगे, अमुक व्यक्ति का चैलेंज पूरा करेंगे, फिर तो वो आदमी भी आते हैं नौकरी छोड़ के जो कभी दरबारों में नहीं आते। तमाशा देखने का शौक सबको होता है, तमाशा देखने के लिए भीड़ लग गई। राजा भी 4 बजे सुबह आ गए, पुजारी जी ने स्नान किया, कपड़े बदले, आज घर ही नहीं गए। आज मन में सोचा लगता है हमारी पूजा का आखिरी दिन है, आज के बाद हम भी नहीं रहेंगे और आज के बाद पूजा भी नहीं कर पाएंगे। मन में प्रणाम किया, पटको खोलने के लिए दरवाजे पर फिर से गए, पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के पीछे खड़े हो गए, भगवान तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन मन में सोचा सरकार आपके बाल हम जानते हैं काले हैं, पर हमने राजा से आपका नाम लेकर झूठ बोल दिया, अब आपके ऊपर हमारी लाज है, चाहो तो बचा लेना, चाहो तो डुबा लेना। ऐसा कहकर आंसुओं को पूछा, राजा पीछे से आके खड़ा हो गया, ए पंडित जी खोलो पर्दा, भगवान की आरती बाद में होगी, पहले हमें देखना है। पुजारी जी ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ करके कहा, जी राजा अभी खोल रहे। और पुजारी जी ने अंतिम बार दंडवत प्रणाम किया। बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। इस कथा का जिक्र भक्तमाल नामक ग्रंथ में जो गीता प्रेस गोरखपुर का है उसमें 434 नंबर पेज पर इस कथा का उल्लेख आया है। आहा, दंडवत प्रणाम किया रोते हुए अंतिम बार, यही विचार करके प्रणाम किया कि अब तो लौट के पूजा करनी नहीं, और अगर बच गए तो अब जीवन में यहां से कहीं दूर जाना नहीं, बस यही विचार करके श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। और राजा ने कहा, हे पुजारी जी 5 बजने वाले हैं, 1 घंटा से तमाशा कर रहे हो गया प्रणाम, उठो। फबकते हुए, आंख भरी हुई, एकदम होंठ कप रहे, शरीर कंपन मायन हो रहा है, हृदय में एकदम बेचैनी है, बार बार पसीना आ रहा है और शरीर पर आज कपड़े भी रुक नहीं रहे, बार बार खिसक रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी को प्रणाम किया और पर्दा में हाथ लगाया, और जैसे ही पर्दा को खोला तो ना मुंह नहीं देखा भगवान का, नजर नीची करके खड़े हो गए, और सबकी आंखें चकित हो गईं कि जिन परमात्मा के बाल कल रात तक काले थे वह परमात्मा के बाल रातों रात सफेद हो गए। आश्चर्यचकित हो गए, राजा को भरोसा नहीं हुआ, राजा को लगा चोरी करके पैसा दे दे करके रात को डेंट पेंट करके बाल बदल दिए। राजा ततोस में आवेश में मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े जहां लक्ष्मी नारायण भगवान खड़े हुए थे चतुर्भुज में, एक बाल पकड़ा और चेक करने के लिए जैसे ही एक झटका मारा, भगवान की नाक सिकुड़ गई और रक्त खून बहने लगा सिर से, मूर्ति के अंदर से, और जैसे ही खून बहने लगा तत्क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजा तुम भक्तों की परीक्षा लेते हो। भगवान चतुर्भुज मंदिर में चिघार करके बोले कलयुग में, राजन आज के बाद तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, अगर करेगा तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा, हम भक्तों के प्रति पालक हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। मेरे प्रिय जनों, मेरे पुणे में रहने वाले पागलों, भगवान के प्रति जो समर्पित हो जाता है, भगवान के प्रति जो आश्रित हो जाता है, अपने गुरु के प्रति जो एकदम दृढ़वान हो जाता है, मेरे पागलों उसके वचन की रखने की जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा की हो जाती है, स्वयं राम की हो जाती है। इसलिए साधुओं, इसलिए मेरे स्नेही जनों, हमारी प्रार्थना है, आज कथा का 3रा दिन है, हम तो चले जाएंगे, क्या पता जिंदगी रहेगी तो दोबारा हम तुम्हें कथा सुना पाए या नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है, लेकिन सच बोले हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तुमसे ताली बजवाने नहीं आए, हम तो तुम्हें हनुमान जी का बनाने आए। तुम हनुमान जी के हो जाओ, तुम हनुमान जी के हो जाओ भैया,
इनके अलावा कोई दुनिया में ऐसा देवता नहीं है। तुमने अब तक जो जीवन व्यतीत किया सो व्यतीत किया, अब जो शेष जीवन है उसको विशेष बना लो। जो तुम्हारा व्यर्थ गुजर गया सो गुजर गया, अब भगवान की भक्ति के बिना जीवन मत गुजारना। देखो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, हम तो बोल रहे, जितने भी घर बैठे भी सुन रहे, मेरे पागलो, गुरु परंपरा को मानने वाले लोगो, हमारी प्रार्थना है तुम जीते जी सावधान हो जाओ। एक बार गुरु पर भरोसा करके तो देखो, हनुमान जी पर भरोसा करके तो देखो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। याद रखना, हनुमान जी जैसा और राम जी जैसा चरित्र किसी का नहीं, इनके जैसा कोई देवता नहीं। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। और देवता ध्यान भी नहीं देते, माथे पर नहीं बैठा। एक हनुमान जी ऐसे हैं, उनकी शरण में कोई भी आ जाए वो उठा करके गले लगा लेते। और सनातन में रहने वाले लोगों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास 33 कोटि प्रकार के देवता हैं। दूसरे मजहब में तो एक के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसलिए स्वधर्मेण धनं श्रेया पर धर्मो भयाभा, गीता कहती स्वधर्मेण धनं श्रेया, अपने धर्म में मर जाना, अपने धर्म में ही जीना, धोखे से भी किसी दूसरे मजहब की तरफ मत ताकना। इसलिए मेरे प्रियजनों, गुरु का काम विकार निकालना, गुरु का काम विचार बदलना, गुरु का काम आत्मा का ज्ञान देना, गुरु का काम परमात्मा से मिला देना। गुरु तो परमात्मा से मिलाने का काम करता है। जैसे ठेकेदार का काम पुल बनाना बिल्डिंग बनाना होता है, वैसे ही गुरु का काम, महात्मा का काम है परमात्मा से मिला देना। ये महात्मा का अनुबंध है, गुरु का अनुबंध, गुरु का कॉन्टेक्ट है। याद रखना, हमें महात्मा में परमात्मा दिखाई इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि नजर कमजोर है। जिस प्रकार दूध में घी होता है वो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक उसे मथानी से मंथन ना किया जाए, और जब तक मथानी से मंथन ना किया जाए, दधी ना बने, मथानी से मंथन ना हो, मक्खन ना निकले, और मक्खन को जब तक आग पर ना रखा जाए तब तक घी नहीं मिलता है। दूध में होता है पर एक प्रोसेस है, उसकी एक नियम है, उसकी एक पद्धति है। दूध को घी बनने के लिए पहले फटना पड़ता है, उसको फटने के बाद मथना पड़ता है, मथने के बाद मक्खन को आग पर जलना पड़ता है, तब वो घी बनता है। मेरे पागलों, महात्मा में भी परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा तुम्हें तब दिखाई देंगे जब तुम्हें, और जब तुम अपने आप के मन को तपस्या की आग पर जलाओगे तब परमात्मा महात्मा के अंदर दिखाई पड़ेगा। इसलिए मेरे पागलों, गुरु का काम विचार बदलना। गुरु विचार की क्रांति लाता है। लोग हमसे पूछते हैं गुरुओं का क्या आवश्यकता भारत में, मेरे पागलों, गुरु की ठीक उतनी ही आवश्यकता है जितनी जन्म देने के लिए मां की आवश्यकता है। मां नहीं तो जन्म असंभव, और गुरु नहीं तो तुम्हारा आध्यात्मिक जन्म भी असंभव है। आध्यात्मिक जन्म तो गुरु कृपा से होगा। भक्ति की जागृति, भक्ति का शौर्य, भक्ति की क्रांति तुम्हारे हृदय में गुरु कृपा से होगी, और गुरु की नजर तुम पर पड़ जाएगी, तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी मेरे पाने। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, क्या कृपा करो देव की ना। इसीलिए हमने हनुमान जी को गुरु रूप में माना है। अरे आओ भैया, इसीलिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता जरा हाथ उठाइए ना। हो, अरे क्या बात है भैया, एक बात बोले, पुणे वाले लोग होते बहुत गजब के हैं भैया, सुनिए। आओ भैया तुम्हें सुनाए, हाथ उठाकर
हरि को बोलो जय सिया राम की, बोलो जय सिया राम। ओ आओ भैया तुम्हें सुनाए, आओ भैया तुम्हें सुनाए, श्री हनुमान की बोलो जय सिया राम की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय सिया राम की, बोलो जय हनुमान की। कौन कौन कथा सुनना चाहता हनुमान जी की, बगल वाले भी दोनों हाथ उठा कर। अच्छा कथा किन की है, अंजनी के लाल हैं ये, हो अंजनी के लाल हैं और पवन पुत्र इनका एक नाम है, एक नाम है गाइए। अंजनी के लाल हैं और पवन पुत्र इनका एक नाम है, किसका नाम है पवन पुत्र, किसका नाम है हनुमान जी का, और अंजनी के लाल है ये पवन पुत्र इनका एक नाम है, गाइए एक नाम है, और चारों युग के स्वामी है, हो चारों युग के स्वामी है और इनके स्वामी तो प्रभु राम है, राम राम है, ओ चारों युग के स्वामी है, इनके स्वामी तो प्रभु राम है, प्रभु राम है। आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा, इस गीत की रचना यहीं पुणे में हनुमान जी महाराज ने करवाई है, दोनों हाथ उठा करके। चारों युग के स्वामी है ये, चारों युग स्वामी है ये, स्वामी तो इनके प्रभु राम है, प्रभु राम है। अच्छा तो तुम्हारे हनुमान जी करते क्या है, कोई पूछेगा क्या करते हैं तो बता देना, कीर्तन गाते, हाँ कीर्तन गाते प्रभु को रिझाते, कीर्तन गाते प्रभु को रिझाते, जग में है बलवान, बोलो जय सिया राम की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय सिया राम की, बोलो जय हनुमान की। आओ भैया तुम्हें सुनाए, आओ भैया तुम्हें सुनाए, कथा श्री हनुमान, कोई काम किया, हाँ एक काम और, ओ सीता
पिताजी की सुध ले आए हो, सिया जी की सुध ले आए और लंका को इंतजारा है। लंका किसने जलाई थी हैं? एक बार हम पुणे के एक स्कूल में गए, हमने कहा बताओ बच्चों लंका किसने जलाई थी, तुम्हारी जैसा एक चंगीलाल खड़ा हो गया, बोले हमने तो नहीं जलाई है, बाकी का पता नहीं हैं? किसने जलाई थी बोला? सियाजी की सुध ले आए और लंका को इन्हने जाना है, हाँ जी जाना है। ओ सीता जी की सुध ले आए और लंका को जाना है, हाँ जी जाना है। जितने कंजूसी से तुम उन्हें खड़े हो, अगले जन्म में शादी 40 साल में होगी, बता दो ना। वीर हनुमान ने एक मुक्का में रावण को हारा है, हाँ हाँ हारा है। वीर हनुमान से एक मुक्का में रावण हारा है, आदि हारा है। अच्छा हनुमान जी वीर कितने हैं? रावण बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए, हनुमान जी बोले हो जाने दो। रावण बोला पहले तुम मारो, हनुमान जी बोले हमसे पहले नहीं, कहीं अगर हमने दाओ तुम्हारो राम नाम सत्य होगा तो खुजली बनी रहेगी। हनुमान जी बोले पहले तुम, रावण बोले ठीक है, हनुमान जी बोले नहीं नहीं तुम। रावण ने कहा ठीक है तैयार हो जा बंदर, हनुमान जी बोले तैयार है 10 कंधार। अब हनुमान जी छाती फुला के खड़े हो गए, रावण ने एक मुक्का बनाया, हनुमान जी की छाती पे मारा जोर से, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। रावण बोले क्यों चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला तुम्हारा बीपी हाई नहीं हुआ? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले बातें बंद करो, हनुमान जी बोले अब हमारी बारी। रावण बोले तैयार है, हनुमान जी ने 360 डिग्री मुक्का घुमाया, ऊपर से ब्रह्मा जी का शरीर कप कप आया कि अगर हनुमान जी ने 360 डिग्री का मुक्का दे दिया तो राम कथा यहीं पूरी हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भए, कुछ कम कर दो नहीं तो यहीं राम कथा पूरी हो जाएगी। और जब हनुमान जी ने 60 डिग्री का मुक्का रावण पे मारा, एक घड़ी 48 मिनट तक रावण बेहोश रहा और रावण ने हनुमान जी के मुक्का से हार मान ली। क्या? वीर हनुमान से एक मुक्का में रावण हारा है, हारा है। गाइए। वीर हनुमान से एक मुक्का में रावण हारा है, आदि हारा है। और पुणे में रहने वाले पागलों, अगर तुम हनुमान जी के हो गए तो सुनो, पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे नहीं उठाओ तो ना, और धीरे बजाओ, और धीरे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो बोले हनुमान पूरी खाने थोड़ी आए, बोलो जय सियाराम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय सियाराम की बोलो। इतने धीमे, इतने में तो कंस भी ना जगे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो बोले हनुमान की, बोलो जय सियाराम की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय सियाराम की, बोलो जय हनुमान की। आओ भैया धीरेन्द्र की सुन लो, चरणों में एक ही पुकार है, हाँ पुकार है क्या पूज्य गुरुवर की, सुन लो चरणों में एक ही पुकार है, हाँ पुकार है। ओ दास धीरेन्द्र की सुन लो, चरणों में एक ही पुकार है, हाँ पुकार है। भारत पे संकट भारी, संकट का करते तुम निवार है, अनिवार है। भारत पे संकट भारी, संकट का करते बताओ हनुमान जी का नाम संकट मोचन है कि नहीं? तो तुम पूछोगे गुरुजी संकट कौन सा है भारत पे भारी? ये आगे के लगी हली उल्लाह बालों का, ये जितने धर्म परिवर्तन करवा रहे ये भारी बड़ा संकट है। तो हमने अर्जी लगाई क्या, भारत हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र चाहता है, जो सच्चा हिंदू होगा वही उठाएगा हाथ, वही देगा साथ, नहीं पूछेगा जात पात। उठाओ दोनों हाथ, तो अर्जी क्या है, भारत हिंदू राष्ट्र बन जावे, भारत से तुम चाहते हो हिंदू राष्ट्र, चाहते हो तुम लोग? हमें लगता तुम तो वेस्ट इंडीज चाहते हो, ऐसे उठाओ हा और करो प्रार्थना हनुमान जी से, भारत हिंदू राष्ट्र बन जावे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जावे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जावे, कर दो यह कल्याण, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय हनुमान की। आओ भैया तुम्हें सुनाए, आओ भैया तुम्हें सुनाए, कथा श्री हनुमान की, बोलो जय सियाराम की, बोलो जय
बोलो जय हनुमान। हनुमान जी महाराज की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जावे, कर दो यह कल्याण, बोलो जय सियाराम की, बोलो जय हनुमान की, बोलो जय सियाराम, गाओ बोलो जय हनुमान, बैठ जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। गाइए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। इस कथा से सिद्ध हो गया हनुमान जी ही गुरु जी हैं और गुरु जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही गुरु जी हैं और गुरु जी ही हनुमान जी हैं। और गुरु जी का काम क्या है? चेला का विकार मिटाना, विचार बदलना। और फिर क्या, जिसके विकार निकल जाते विचार बदल जाते वो तो सुबह भी गावे अरु साम भी रिझावे, सीताराम 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 गावे, सीताराम 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 गावे। आप लोग पूछेंगे हमसे, गुरु जी क्या हनुमान जी की पूजा करने से क्या और हो सकता है, जरा बताइए। अगर हनुमान जी को गुरु मान लिया तो हे भारत के लोगों, हम तुम्हें एक बात और बताते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी रक्षक होंगे, किसके? तुम्हारे। तुम्हारे रक्षक राक्षसों के भक्षक और राक्षसों को मारने वाले, लेकिन अपने भक्तों को तारने वाले, इन्हीं को वीर हनुमान कहते हैं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय श्री राम। एक घटना घटी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक तीर्थ है, सब लोग जानते होंगे, जिसका नाम है चित्रकूट। कौन कौन चित्रकूट को जानता है? मंदाकिनी किनारे बसा चित्रकूट। चित्रकूट में कल्याण पुस्तिका में एक यह घटना निकली थी। चित्रकूट की मंदाकिनी के किनारे गांव के लोग स्नान करने गए तो एक गांव की औरत, गांव की एक माताजी अपने छोटे से बच्चा जिसकी आयु 6 साल की थी उसको लेकर के गई। चित्रकूट दर्शन करने गई, कामतानाथ भगवान के दर्शन किए, विचार किया चलो चित्रकूट आए हैं मंदाकिनी में स्नान कर लिया जाए। पर विचार किया कहां करें, भीड़ बहुत थी तो थोड़ा घाट में दूरी पे चली गई, एकांत में जहां 20-25 लोग थे। वहां घाट के किनारे जाकर बालक के कपड़े निकाले और बालक को समझाया, बेटा सुनो। बालक का नाम सुभाष, सुभाष नाम का बालक, आयु 6 साल, और 6 साल के बालक को मां समझाती है, बेटा ये मंदाकिनी माता है, बहुत गहरी है, नदी है बहुत गहरी है, ज्यादा गहरे में मत जाना, ऊपर से ही लोटा लेकर के स्नान कर लेना। पर बालक तो बालक होते हैं, स्नान करने बालक गया मंदाकिनी जी में, उसने लोटे से पहले स्नान किया, उसने सोचा एक सीढ़ी और उतर लिया जाए, लेकिन एक सीढ़ी जैसे ही नीचे उतरा, देखते ही देखते अथाह जल में वह बालक डूब गया। जब बालक डूब गया और दिखाई देना बंद हो गया, उसकी मां
सुभाष बालक की माँ किनारे पर बैठ करके जोर जोर से चिघार करके रोने लगी, आर्तनाद करने लगी। विचार करो, जिस माँ का बेटा आंखों के सामने डूब जाए उस माँ पर क्या बीती। रोने लगी, चिघारने लगी, और वहीं बैठे बैठे उस माँ ने आर्तनाद करके कहा, हे हनुमान जी, आप तो लंका से जाकर माता जानकी जी की भी खबर ले आए। अगर तुम सत्य के हो और इस कलयुग में तुम्हारा वास है, तो एक माँ तुम्हें राम जी की सौगंध देकर कहती है, हमारे बालक को कहीं से ढूंढ करके लेता हो। और सबके सामने ये घटना घटी थी चित्रकूट में। देखते ही देखते एक पेड़ से विशालकाय बंदर नीचे उतरा और नदी में जाकर के मंदाकिनी में जाकर बालक का हाथ पकड़ करके ऊपर खींच करके बाहर कर दिया। से झरझर आंसू बह गए माँ के, और जितने लोग देखने वाले थे सबके मुंह से यही निकला, तुम रक्षक काहू को सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। अरे मेरे प्रिय पागल पागलो, मेरे प्रिय, उसे फिर रक्षा की जिम्मेवारी गुरुदेव की हो जाती है। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी गुरुदेव की हो जाती। गुरुदेव का काम बचाना भर नहीं है, विकार मिटाना नहीं। ध्यान रखना, आज दो बातों पर चर्चा हो गई, विकार निकालने पर, बचाने पर। तीसरी बात सुन, ना ना ना, केवल इतना भर काम गुरु का नहीं है, गुरुदेव का एक और काम, ज्ञान भर देना, भगवान से मिला देना, यह भी गुरु का काम है। अच्छा, किसी को मिलाया है कलयुग में? हनुमान जी ने हाँ मिलाया। किसको? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दीत। चित्रकूट के घाट पर श्री तुलसीदास जी महाराज रो रहे। क्यों रो रहे? राम जी नहीं मिल रहे। अच्छा, राम जी नहीं मिल रहे, रोज रो रहे हैं, किसको मिलना है, किससे मिलना? राम जी से मिलना है। आंखों में आंसू भर के बार बार रो रहे। अरे चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास बैठे रोते, रोज स्नान करने जाते, जल जो बचता है, नित्य क्रिया करने जाते, जो जल बचता है उस बचे हुए जल को एक पेड़ के ऊपर डाल देते। कई दिन बीत गए, उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। बहुत दिनों बाद वो प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी, आपने हमारी तृप्ति की, हम हैं प्रेत, प्रेत को प्यास बहुत लगती है। हे तुलसीदास जी, आपने हमारी तृप्ति की, हमारी प्यास मिटाई, परमात्मा तुम्हारी प्यास मिटाए, बताओ हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुलसीदास जी बोले, हमें चाहिए ही क्या, तुम तो ठहरे भूत, अब भूतों से क्या चाहिए। नहीं नहीं, मांगो, फिर भी मांगो। तुलसीदास जी बोले, देना ही है तो राम जी का पता दे दो। प्रेत बोले, राम जी का पता ही हमें होता तो हम प्रेत होते, हम भी देव ना होते, इतना ही पता होता। और एक बात बोले, खोजा सारा जहां तो पता तेरा पाया नहीं, और पता तेरा पाया तो फिर मुझे अपना पता नहीं है? खोजा सारा जहां तेरा पता पाया नहीं, तेरा पता पाया तो फिर मुझे अपना पता खो गया। तो राम जी को पाने वाले फिर राम जी के समान हो जाते। प्रेत कहता, हे तुलसीदास जी, हम तुम्हें और सब दे सकते, सोना ले लो, चांदी ले लो, वसीकरण करवा लो, लुगाइयां ले लो, लेकिन हम राम जी का पता नहीं दे सकते। तो तुलसीदास जी बोले, बाकी हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए राम जी। प्रेत बोला, एक उपाय है। क्या? बोले, हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। तुलसीदास जी बोले, किससे? तो प्रेत हाथ जोड़ के बोला, हनुमान जी से, हम हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी बोले, एक बात बताओ, तुम राम जी का पता नहीं जानते, हनुमान जी का कैसे जानते? बोले, अपने अपने दुश्मन की लोकेशन हर व्यक्ति लिए रहता है, अपने अपने दुश्मन की लोकेशन हर व्यक्ति लिए रहता है। तुलसीदास जी बोले, मतलब? अरे बोले, वाह, आपने ही तो हनुमान चालीसा लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत
संत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना। तो तुलसीदास जी से प्रेत बोला, हम राम जी का पता नहीं दे सकते पर राम जी से मिलाने वाले का पता। बोले किसका? हनुमान जी का। तो तुलसीदास जी बोले हनुमान जी कैसे राम जी से मिलाएंगे? अरे बोले बा राम द्वारे तुम रखवारी होते न आज्ञा बिनु पैसा। अरे ये वही हनुमान जी हैं। कौन? तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के। भैया गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। खास किसी के लिए ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो प्रेत बोला हे तुलसीदास जी, हम राम जी का पता नहीं बता सकते पर राम जी से मिलाने वाले वीर बजरंगबली का पता बता सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले अच्छा वो तुम्हारे दुश्मन है इसीलिए तुम्हें पता है। बोले हाँ, कहाँ मिलेंगे? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, कहाँ मिलेंगे हनुमान जी? कहाँ मिलेंगे? अरे बोलो पुणे वालों कहाँ मिलेंगे? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान 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 का। राम जी के चरणों में हो, चरणों में इनका ठिकाना। छम छम प्रार्थना च चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम 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 चम। अब दोनों हाथ उठा करके सभी लोग चम चम नाच देखो वीर हनुमाना, चम चम नाच देखो वीर हनुमाना, चम चम नाच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, छम छम। राम जी के कीर्तन में हनुमान जी नाचते हैं तो क्या हनुमान जी की कथा में तुम नहीं नाचोगे? उठाओ दोनों हाथ, हो जाओ मस्ती में मस्त। ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, लौट कर ऐसा मौका आने वाला है क्या? राम जी के चरणों में हो, हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना,
उठा करके हरि बोल। राम कथा में आते हैं तो कैसे नाचते हैं? पांव में घुंघरू बांध के नाचे, पांव में घुंघरू बांध के नाचे। तुम भी गाओ, पांव में घुंघरू बांध के नाचे, पांव में घुंघरू बांध के नाचे। घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के। राम जी के चरणों में ओ, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम 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 कथा में घुंघरू बांध कर क्यों आते? नाच 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 श्री राम को रिझावे, नाच 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 श्री राम को रिझावे, राम को रिझावे प्रभु, 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 राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। और भक्तों में भक्त बड़ा सबसे बड़ा भक्त कौन है? अरे बोलो पागलो। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम छम महाराज की। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, 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 वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। क्या छम छम
नाचे देखो वीर हनुमाना। और प्रेत ने पता कहां बतलाया, ये तो तुमने पूछा ही नहीं। हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा हनुमान जी कहां मिलेंगे, प्रेत ने कहा जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। कहां? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। जहां जहां कीर्तन राम जी का होता है, हमारे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी मुकदर लेकर के उस आयोजन की रक्षा करने के लिए वीर हनुमान बज्रांग खड़े हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे, ना 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 ना, ये केवल प्रेत ने नहीं कहा, तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में कहा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय जाओ। धन्य है हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम। आहा, क्या? जहां जहां भगवान की कथा वहां वहां हनुमान जी। कहां हनुमान जी? जहां राम जी की कथा वहां पर कौन? बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जहां जहां राम जी की कथा होती है वहीं वहीं कौन जाता है? कौन जाता है? तुलसीदास जी से बाद में जाए समझ जाना वही हनुमान जी हैं। पहचान क्या है हनुमान जी की? कथा में पहले आ जाते हैं, दूसरी पहचान सबसे बाद में जाते हैं। और हम लोग बाद में आते हैं लेकिन सबसे आगे बैठना चाहते हैं। कई तो इतने भी आए, कुछ लोग तो यहीं खड़े, जय हो जय हो, जब आधी कथा हो गई तब आए। लेकिन चाहिए इन्हें मंच। आजकल तो ज्यादातर लोग हम देखते हैं कथा में हमारी बैठेंगे, फोन चालू कर लेंगे, चल आ रहा है। इस सेल्फी ने प्राण ही खा ले। आजकल जब सेल्फी चली, एक आदमी हमारी ब्यास पीठ पे ऊपर चढ़ाया, गुरुजी 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 प्रणाम, हमने कहा खुश रहो। माला ली, उसने माला उठाई और माला हमारे गले में नहीं डाली, कान में फंसाई। लेकिन देखे हमारी तरफ ना, देखे उ तरफ। अरे हमने कहा भाई माला तो डाल दे ढंग से, गले में तो डाल दे। बोले गुरुजी एक सेल्फी एक सेल्फी। अरे हम कहा ठटरी के बारे, फोटो ने भी प्राण खा लिए। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानना मेरे पागलो, चित्र खींचना बुरा नहीं है, खींचना चाहिए, महापुरुषों का चित्र खींचना चाहिए, पर चित्र क्या खींचना, खींचना ही है तो चरित्र खींचा जाए। चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता है, और आजकल उधार की सुंदरता तो ब्यूटी पार्लर चल गए, वे चल गए ब्यूटी पार्लर, वहां पर काले जाओ गोरे निकल कर आ, एकदम भाइटन हाउस, डेढ़ डेढ़ इंच मोटी। भगवान जाने राम जी बचाए, हम कुछ बोलेंगे तो कोई FIR और कर देगा, अपन को नहीं बोलना है, एक घंटा की बात और है बस। हे हनुमान जी सुरक्षित निकल जाए हम बजरंग बली। हमारी माता जी ने कहा था बेटा सुरक्षित आना, इसीलिए जो है
बुरा ना मानना, हम सही बता रहे हैं। ये जो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सजना चाहिए। श्रृंगार को कहते हैं सजना, कहते ना भाई सज लो, सजना। हम ये नहीं कह रहे कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सजना तो चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन सजना ही है तो इस संसार के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना है? सजना ही है, उस सजना के लिए क्यों ना सजना। तो क्यों, अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों करें, संसार के लिए अगर तुम श्रृंगार करोगे तो वासना में फंसोगे, परमात्मा के लिए अगर तुम श्रृंगार करोगे तो उपासना में फंसोगे। जय हो महाराज जी, आप तो हनुमान जी जैसे ऊपर बैठ गए। भैया कैमरा वाले कहां गए? रुपया मिलने, हमारे जगदीश जी ने तुम्हें रुपया दिए, फोटो लगाओ महाराज जी की, लगा लगा लगा, हमारे जगदीश मुलिक जी ने पैसा दिए हैं तुम्हें, पेमेंट फुल किया है। जय लो, इनके दर्शन करो, देखो नहीं नहीं फुल करो, फुल करो, नीचे तक दिखाओ, मैं परदनिया दिखाओ, इनकी धोती दिखाओ, धोती दिखाओ, धोती हाथ तो देखो। जय श्री राम प्रभु, जय हो। आप फायर विग्रह ली थी, एम्बुलेंस धरी, एम्बुलेंस पटंग जाते हैं, बगल में एम्बुलेंस है, फायर विग्रह पिया चढ़ा न गए। जय हो जय हो। अच्छा जी, इसलिए ऊपर चढ़े हैं ये पंडित जी, इनको अंदर आने नहीं दिया, पुलिस वालों ने रोक लिया, तो दिमाग एकदम सही है, सही कह रहे ना हम, आनंद है। लेकिन एक बात बोले, ये हमारे गुरु भाई हैं, हम इसीलिए मजाक कर रहे हैं, है तो ये हमारे गुरु भाई हैं, और ये जो हम माला पहने हैं ना, ये देखो राम जी की ये माला, इन्होंने ही हमको पहनाई है। तो विनोद तो हम कर रहे हैं, ये माला इन्होंने, ये हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, नमो राघवाय। तो प्यारे पागलो, चित्र क्या खींचना, खींचना ही है तो चरित्र खींचा जाए। और आजकल भारत में चित्र बहुत खींचे जा रहे, चरित्र ढीले होते जा रहे, चित्र बहुत खींचे जा रहे, चरित्र बहुत ढीले होते जा रहे। मेरे पागलो देखो, बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से लोग कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। हनुमान जी बचाएं ऐसे लोगों से, तो बोलो सीताराम, आहा हा, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? कथा में। कथा में कहां? जो सबसे आगे आए, सबसे बाद में जाए, वो हनुमान जी किसी भी रूप में। पहले तो हनुमान जी असली रूप में जाते थे, फिर लोग उनकी पूंछ पकड़ने लगे, चरण पकड़ने लगे, हनुमान जी रूप बदलने लगे। हनुमान जी के पास सिद्धियां भी तो हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानी की मार। पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले पागलों, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, 7 लोग अभी भी जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। अस्तुत्थामा बलिर व्यासो, अस्तुत्थामा बलिर व्यासो, हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवना। कौन कौन? अस्तुत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी महाराज, यह 7 लोग आज भी जीवित हैं। और हनुमान जी को तो वरदान दिया था माता जानकी जी ने, क्या कहा था? अजर अमर गुण निधि सोते हो, अजर अमर गुण निधि सोते हो, करही बहुते रघु जानकी जी ने हनुमान जी को कहा, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम्हें कोई जीत ना पाए, गुण निधान हो जाओ। और इतना ही नहीं, करही बहुत रघुनायक छो, हे
बेटा हनुमान तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें। यह सात लोग अभी भी जिंदा हैं, जो इनकी पूजा करता है उनको हनुमान जी अवश्य मिलते हैं। बोलो जय सियाराम। आहाहा, तुलसीदास जी आपको कथा में मिलेंगे। प्रेत ने पता बतला दिया, तुलसीदास जी कथा में आए, बैठ गए, देखा सुबह से ही आके बैठ गए तुलसीदास जी, देखते हैं कौन है हनुमान जी। इतने में देखा कथा होने के पहले, श्रोताओं के पहले एक बूढ़ा आदमी आया, शरीर में घाव, एकदम बूढ़ा, हड्डियां टेढ़ी, शरीर कांप रहा, किनारे पर आकर बैठ गए। तुलसीदास जी ने देख लिया, हो ना हो यही भाई साहब हनुमान जी हैं। कथा हो गई, सब चले गए, वो वृद्ध दादाजी नहीं गए। क्या हुआ महाराज? तुलसीदास जी ने पूछा, ओ बाबा जी जाओ? तो वो बाबा जी बोले, बेटा हम नहीं, पहले तुम जाओ। क्यों? हम तो बूढ़े आदमी हैं, चल देंगे। गोस्वामी जी पहचान गए, तुरंत चरणों को पकड़ लिया, अब बनावटी मत बनो, हम पहचान गए, आप बूढ़े बब्बा नहीं हो, आप तो बब्बा जू हनुमान हो। तुरंत बूढ़ा आदमी, वह बूढ़े रूप में हनुमान जी बोले, अरे भैया हमें मत पकड़ो, हमें मत पकड़ो, दूर हो जा, दूर हो जा, देखो देखो हमारी खुजली है, खुजली 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 हो जाएगी। अरे तुलसीदास जी बोले, अब चाहे खाज हो जाए, चाहे बाज हो जाए, अब हम तो तभी छोड़ेंगे जब आप असली रूप में दर्शन दोगे, जब चरण नहीं छोड़े तब वही वृद्ध रूप में वीर हनुमान प्रकट हो गए। कहो, आंखों में आंसू भर के तुलसीदास जी रोने लगे। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा, सरकार ऐसा कोई पता बता दे, ऐसा कोई पता बता दे, मुझे राम से मिला दे, धन्यवाद ऐसा कोई पता बता दे, मुझे राम से मिला दे, धन्यवाद मैं कहूंगा सीताराम मैं कहूंगा। ना 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 ना, राम के दरस बिना ये अखियां फूली फूली रहती हैं, राम के दरस बिना ये अखियां फूली फूली रहती हैं, मन की दशा कहूं क्या प्यारे, यादें भूली भूली रहती हैं, मन की दशा कहूं क्या प्यारे, यादें भूली भूली रहती, मुझे अपना तू बना ले, मुझे अपना तू बना ले, मेरा राज कुछ छपा दे, मेरा राज धन्यवाद मैं कहूंगा सीताराम। क्या बोले तुलसीदास जी? ऐसा कोई पता बता दे, मुझे राम से मिला दे, हम आपको धन्यवाद देंगे, राम से मिलाने का पता बतला दो। तुलसीदास जी की बात सुनकर के हनुमान जी ने देखा आंखें रो रही हैं। एक बात बोले, मेरे प्रिय साधको, मेरे परिवारजनों, भारत में रहने वाले बागेश्वर धाम के लोगों, याद रखना, माँ तब तक अपने बालक को दूध नहीं पिलाती जब तक बालक रोने नहीं लगता।
माँ तब स्तनपान कराती है जब बालक खिलौना का घुनघुना छोड़कर रोने लगता है, तब माँ उठाकर अपनी गोद में आंचल में छिपाकर स्तनपान कराती है। और मेरे पागलों, परमात्मा भी तब प्रकट होगा जब तुम्हारे अंदर उस बालक के जैसी परमात्मा को मिलने की तड़प प्रकट हो जाएगी, है? वो भी तो तब मिलेगा। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, आंखों से रोने लगे तुलसीदास जी, आंसू बहने लगे, क्या हुआ? राम से मिला दो कोई, राम से मिला दो कोई, राम से मिला दो कोई। तुलसीदास जी की यह दशा देखकर हनुमान जी से भी रहा नहीं गया। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा, इधर आओ, सुनो, रो मत, यहां मत रो, एक काम करो, चित्रकूट में घाट के किनारे बैठ जाना, जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, राम जी आएंगे, ये हमारा वचन है, ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम है। मेरे पागलो, जिनकी हम कथा सुना रहे गुरु की, ये गुरु का काम है। गुरु ही गोविंद से मिलाने का काम कर सकता है, गुरु ही पता बता सकता है परमात्मा से मिलने का, गुरु के पास पता है, ये गुरु का काम है। जाओ घाट के किनारे बैठ जाओ। तुलसीदास जी घाट के किनारे बैठ गए और बैठे, राम जी चंदन मांगने आए, तुलसीदास जी पहचान ना पाए, राम जी चंदन मांगने आए, तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे जब हनुमान जी ने तोता बन करके तुलसीदास जी को बतलाया तो राजकुमारों में राम प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए हनुमान जी के कहने पर, और मेरे पागलों, तुलसीदास को भी राम जी से मिलवाने का काम हनुमान ने किया। हम तुम्हें बताना कथा के द्वारा यही चाहते थे कि गुरुदेव का काम है आत्मा से परमात्मा का मिलवाने का, इसीलिए ये चौपाई पूरी हो गई। कौन सी? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, आइए गुरुदेव ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा चाहे। एक बात बताओ, तुमने कभी विचार किया कि गुरुजी के चरणों में माथा क्यों रखा जाता, मस्तक क्यों लगाते हैं? विचार किया? बोलो, है पता? अरे बोलो, हाँ जी या ना जी तो बोलो, ना जी या हाँ जी, ना जी। सुनो, आपने सील देखी, मुहर, मुहर रबर की जो मुहर होती है उसके अक्षर उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? लेकिन जब उसमें स्याही लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे आते हैं, हाँ जी या ना जी। तो जब तक गुरु के चरणों में माथा नहीं रहता
तब तक भाग्य की रेखाएं उल्टी हो जाती हैं, लेकिन जब मस्तक गुरु के चरणों में रख दिया जाता है तो वो भाग्य की रेखाएं सीधी हो जाती हैं। इसीलिए जय 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 हनुमान गुसाई, पागलो हमारी कथा सुनकर तुम गुरु मत बनाने चल लेना। ना 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 ना, क्यों? गुरु वो नहीं जो संपत्ति लेता है, गुरु वो है जो तुम्हारी विपत्ति ले ले। गुरु कौन? गुरु वो नहीं जो केवल ज्ञान दे, गुरु तो वो है जो तुम्हें भगवान भी दे। गुरु वो नहीं जो तुम्हें गम दे, गुरु वो है जो तुम्हें परमात्मा स्वयं दे। और सच्चा और अच्छा गुरु, मेरे पागलो, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है, किसी भी रंक को राजा बना। इसलिए जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा। लेकिन एक शर्त आपकी है, गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाओ। इसी तीन दिन की कथा में हम आपको सिर्फ यही बताने के लिए आए थे, और पता नहीं, हमें तो पता नहीं चला कि हनुमान जी ने हमसे गुरु तत्व पर कथा क्यों बुलवाई, पर हमने पहली बार हनुमान जी के ऊपर गुरु तत्व पर कथा बोली है, पहली बार। लेकिन पहली बार बोलकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री जगदीश जी का, उनके पूरे परिवार का, कि उन्होंने हमें बुलाया और यहाँ पर हमें जीवन में एक नई सीख मिली कि हनुमान जी को गुरु रूप में भी पाया जा सकता है। बहुत आनंद आया। और सच बताएं, जितना हम कम बुद्धि से गा पाए, हम तो अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं भैया। ना ना ना, स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे ना, हम पढ़ नहीं पाए, स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे। लेकिन सच बताएं, हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग धन भाग्य के अधिकारी हैं। आपने पूरी कथा को बड़ी मस्ती के साथ सुना है। और एक बात बताएं हमको, आज हमारे यजमान जी, कथा यजमान जी श्री जगदीश जी बता रहे थे गाड़ी में, बोले गुरुजी पूना के इतिहास में आज तक इतना बड़ा मेला रेला नहीं लगा है। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं, इस पूना शहर में रहने वाले हनुमान भक्त और सच्चे कट्टर सनातनियों के कारण हुआ है ये। बोलो सीताराम। भगवान दोबारा हमें बुलाएंगे, अगली बार हम आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। हाँ, जब भगवान हमें बुलाएंगे हम अगली बार, अभी जाना नहीं है, इतनी जल्दी मत करो, बहुत बदमाश आदमी हो आप। ए भाई साहब, खड़े हो जाओ जरा तू। हाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जो अभी बैठी है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी हवाई जहाज छूट रही थी क्या? आगे के लगे पूरी कथा सुन लियो, चल दिया, बैठ जाओ। मजाक कर रहे हैं। एक बात बोले, सच बताएं, हम आप लोगों को देखकर अपना परिवार मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही परिवार में बैठकर कथा सुना रहे हो। सच में बहुत आनंद आया भैया कथा में। लेकिन चौपाई मत भूलना। जय 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 हनुमान।
हनुमान गोसाई बियाई पियो कृपा करो गुरुदेव की नाथ। हनुमान जी महाराज सदगुरु हैं, हनुमान जी महाराज गुरु हैं, और गुरु का कहना क्या। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, गुरु जरूरी नहीं आपको। अच्छा इसमें एक प्रश्न और, क्या गुरु का सदेह में होना जरूरी है या हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं? हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, लेकिन लेकिन फिर हम बोलेंगे आज अंत में, आज तक नहीं बोला, आज बोलेंगे तीसरे दिन। सदेह होना गुरु बहुत जरूरी है। सदेह गुरु शक्ति पात करेगा, सदेह गुरु से तुम बात कर पाओगे, हनुमान जी से बात कर पाओगे, पर उसके लिए बहुत लंबे लेवल तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। इसलिए सदेह गुरु को पकड़ना, पर याद रखना स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रणाम जल्दी मत करना। कोई भी व्यक्ति प्रणाम करता था तो विवेकानंद कहते थे मेरा प्रणाम अभी मत करो, पहले मुझे देखो, मुझे परखो। जब स्वामी विवेकानंद कहते थे जब तुम्हें लगे कि प्रणाम करने योग्य है तो फिर प्रणाम करो, और तुम फिर चाह करके भी मुझे छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार तुम पहले देखो, पानी पीजिए छान कर, गुरु ढूंढिए जान कर, जान करके फिर गुरु को। फिर सदेह में होना जरूरी है, और उन्हीं गुरुदेव में हनुमान जी को देखो, और हनुमान जी में गुरु जी को देखो। उन्हीं गुरु जी में किसे देखो? हनुमान जी को। हनुमान जी में किसको देखो? गुरु जी को। बस कल्याण हो गया। जय जय सीताराम। और मेरे पागलो अंतिम बात, हम आज जो है कथा के पहले यहां से एक पावन तीर्थ है देहू, जहां पर भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और महाराष्ट्र के परम भक्त संत जगतगुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज वहां भी हम दर्शन करने गए थे। अगली बार जब हम पुनः आएंगे तो संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के स्थल पर जाकर के प्रणाम करने जाएंगे, और खूब आनंद आया। अच्छा एक बार हमने एक जगह कथा सुनाई पूना में, पिछले जन्म में पूना में कथा सुनाई हमने। पूना में कहा अंतिम दिन, भैया स्वर्ग किस किस को जाना है हाथ खड़ा कर। जैसे तुमने हाथ खड़े कर दिए वैसे ही उस वक्त भी किए थे, लेकिन एक आदमी ने नहीं किए, जैसे तुमने नहीं करे अभी, वैसे ही नहीं किए थे एक आदमी। ये जो चश्मा लगाए हुए बढ़िया ऐसे हाथ बांधे बैठे, ए जरा कैमरा लगा, ओए जगदीश जी ने रुपया दिए हैं, वो आदमी है चश्मा लगाए ऐसे हाथ सफेद सा के, उस पर कैमरा का फोकस, टीवी पे दिखा, हाँ ये जो हाथ जोड़े, हाथ नीचे करो, मुंह फेस पूरा आने दो, मुखड़ा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और जूम करो, जूम कर कर, आहा, देखो तो जी दादाजी का बीच में आ रहा है। हाँ अब ठीक है, ये अभी आप लोगों ने हाथ खड़े किए, इन भाई साहब ने नहीं किए, पिछले जन्म में भी ऐसे ही एक आदमी ने नहीं किए थे। हमने पूछा एक बात बताओ, हमने पूछा स्वर्ग किस किस को जाना है, सबने हाथ खड़े कर दिए, तुमने क्यों नहीं किए? बोले गुरुजी हमारी लोगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। इतना खौफ है लुगाई का, लुगाई समझते हो ना, वाइफ। नहीं तुम्हें नहीं है डर, तुम मत समझना, तुम नहीं डरते, हम समझ गए, डरना भी नहीं चाहिए। वाइफ से क्या डरना, वाइफ से क्या डरना। खैर लेकिन एक बात बोले, चाहे जितना हंस लो, यहां तो हम बचा रहे, घर है तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। दे बेलन दे चिमटा, आहो बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो पूना के लोग तो बड़े महापुरुष, और ये पूना बहुत धन्य है जहां संत ज्ञानेश्वर संत श्री जगत गुरु तुकाराम। एक आचार्य के बारे में हम स्मरण करना भूल गए, लेकिन हम भूले नहीं, जानबूझ करके हम आचार्य को रोज मन ही मन स्मरण करते थे, भले ही कुछ भी था, लेकिन एक आदमी को तो हम बहुत मानते हैं। किसी ने भारत ने माना हो वो उसकी मर्जी, लेकिन आपके पूना में रहने वाले आचार्य रजनीश ओशो,
वो आदमी कैसा था इस बारे में हमें नहीं लेना देना, पर प्रिय हम एक बात बोले, उसके उस सदी में उत्तर के सामने विदेशी ताकतें और विदेशी सरकारों की जड़ें हिल गई थी। ऐसा महान दार्शनिक, ऐसे महान दार्शनिक, और आपको सुनकर बहुत गदगद होगा और आप सुनकर बहुत आनंद लेंगे, जिन आचार्य रजनीश ओशो के बारे में हम कह रहे हैं, वो आचार्य रजनीश ओशो हमारे ही मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहीं जबलपुर के पास के थे। ये हमारा सौभाग्य है। तो पूना में पहला आश्रम, शायद पहला आश्रम था ना, पहला आश्रम पूना में आचार्य रजनीश ओशो का नदी के किनारे है, शायद यहीं पर है ना, यहीं पर है। और वो भी महान विभूति हुई, दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक, उनका तो कहना ही क्या, बहुत ऊंचे दार्शनिक। हम बहुत कई बार पढ़ते हैं, मनाता है हम पढ़ते हैं, हाँ जरूरी नहीं है कि कौन सी बात स्वीकार करनी है कौन नहीं, वो अपना विवेक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कह रहे हैं, आप अपने विवेक से चलो। आप तो हमारी बातें सुनकर के भी हमको फॉलो मत करो, हम जो बोल रहे हैं वो अपने गुरु ज्ञान से बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो अपने गुरु ज्ञान से, अपने विवेक से। लेकिन प्रिय आत्मनो, हम तुमसे यही कहते हैं, तुम अगर गुरु के हो जाओगे तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो जाओगे। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, जय 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 हनुमान गुसाई। बागेश्वर धाम को मानने वाले जितने लोग हैं, एक प्रार्थना है, माथे पर टीका लगाया करो, हाथ में माला लेकर घर से निकला करो, माला और भाला की वर्तमान में बहुत आवश्यकता। हमको तो जितने भी फॉलो करते हो, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य, हमारी प्रार्थना है तुम हमेशा माथे पर टीका लगा के चलो, लोग दूर से पहचान जाएं कि ये बागेश्वर वाले। लगाकर आग दौलत में हमने ये सौंप पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। मुस्कुराते रहो और एक बात और बोले, कह दो बोलो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर धाम पर हम आगामी 19 तारीख से 26 तारीख तक दिसंबर में रहेंगे और 5, 6, 7, 8 तारीख को परभणी महाराष्ट्र में पुनः 3 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। लेकिन हमारा मन हो रहा है अब हनुमान कथा की जगह भक्तमाल सुना दो, भक्तमाल सुनाएंगे अपन परभणी में, परभणी में हनुमान कथा नहीं भक्तमाल कथा सुनाएंगे, ठीक है। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है, एक निमंत्रण और, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा, गरीब बेटियों का यज्ञ करवाई जा रही, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल देना है। तो आप लोगों को हमारा निमंत्रण है, एक दिन के लिए जरूर आइएगा, उसमें दरबार भी लगेगा, यज्ञ भी होगी, कथा भी होगी। और एक बात हो, एक बात यह है, बड़े प्रेम पूर्वक रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपने घर के बाहर एक एक झंडा जरूर धर्म ध्वजा का लगाना। कौन कौन ऐसा करे, जोर से बोलो, शनिवार मंगलवार मंदिरों में जाना तुम प्रारंभ कर दो, शनिवार मंगलवार अपने बच्चों को लेकर तुम मंदिरों में जाना प्रारंभ कर दो। हम आपको वचन देकर के कहते हैं, धर्म विरोधियों की ठठरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। कौन कौन ऐसा करेगा, अच्छा सप्ताह में एक दिन भी मंगलवार, कौन कौन करेगा। बागेश्वर धाम आ पाओ तो ठीक है, बागेश्वर धाम नहीं तो यहीं पर अष्ट विनायक नहीं तो यहाँ पर चतुर्श्रृंगी मंदिर देहू में संत श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर महाराज का आलिंदी में, जहां आप जा पाओ आसपास के मंदिरों में जाया करो, समय निकाल कर बागेश्वर धाम भी आना, खूब मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। एक बार पुनः हमारे इस कथा के यजमान श्री जगदीश जी
आप खूब आगे बढ़ें, भगवान की खूब कृपा आप पर रहे, सनातन का आप खूब प्रचार करें और पूरे पुणे में खूब आप जो है भक्ति का प्रचार करके विकास करें, ऐसा व्यासपीठ से आपको खूब खूब आशीर्वाद है। और आप सभी प्रियजन मुस्कुराते रहें, आते जाते रहें। एक शेर और सुना दें, जल्दी तो नहीं है, पक्का तो ठीक है, सुनो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, कह दो बाबा अरे तुमसे सुनना नहीं आता, तुम्हें नहीं सुनाना, आता ही नहीं तुम्हें सुनना, नहीं नहीं अब नहीं सुनाना, तुमसे सुनना ही नहीं आता, अब बाबा बोलना टाइम पे, पक्का तो चलो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्यों? क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी जान हनुमान जी ने चाहा किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक खूब प्रेम पूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हनुमान जी के गीत गाते रहो और चौपाई याद रखना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। आज की आरती सब नीचे से करेंगे, केवल यजमान जी ऊपर से करेंगे। हम आरती करके फिर विदा लेकर के हमें जल्दी जाना भी है, धाम पहुंचना है। कल 23 तारीख को सन्यासी बाबा का दिवस है, वहां उत्सव मनाना है हमें और फिर से पुणे आएंगे। आपको कथा तो समझ में आई ना? अरे जोर से बोलो, अपने घर पर झंडा लगाओगे, बागेश्वर धाम आओगे? अच्छा पेशी कौन कौन करने वाला है धाम की? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? जीवन भर के लिए? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे हनुमान जी महाराज की हैं। सबको सीताराम, पागलो जय हनुमान। लेकिन एक बात बोले, पूना के लोग होते बहुत खतरनाक, अब तो अपन जा रहे सुन लो, अब नहीं है हमें डर, अब तो हम जा रहे सुनो। पूछो कैसे होते हैं, पूना में एक बार पेपर में एक प्रश्न आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए 50 शब्दों में, चुनौती किसे कहते हैं? पूना का एक स्टूडेंट जिसका नाम चंगीलाल, उसने उत्तर कॉपी ली, कॉपी पे लिखा आगे पढ़ें, दूसरा पेज निकाला फिर लिखा आगे पढ़ें, तीसरा पेज निकाला फिर लिखा आगे पढ़ें, जब लास्ट का पेज बचा तो उसके पीछे लिखा मास्टर सर तेरे बाप में दम हो तो हमें पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। ऐसे होते हैं पूना के। लेकिन सच बताएं, पूना में हिंदुत्व का हुंकार बहुत भयंकर है और बहुत प्यारे लोग हैं, इसलिए गाते रहो जय 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 हनुमान स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी, उनकी एक रचना याद है, क्या सोच करे पागल मनवा। कुछ लोग कथा सुनकर सोच रहे होंगे कि हमने जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ गवाया, तो सुनो, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जिंदगी के झूठे खेलों में, जिंदगी के झूठे खेलों में, कोई हार गया कोई
सोच करे पागल मनवा। इसलिए आपको सोचना विचारना नहीं है, जय श्री राम पुकारना है। कौन कौन पुकारेगा? हरे रामा रामा राम सीता राम राम, राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, पुणे में रहने वाले इन पगलन की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, आज तक के आनंद की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। सीताराम 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 सीताराम। एकदा महाराजांच्या समोर जोरात आवाज आला पाहिजे, सियावर प्रभू श्री रामचंद्र की, बागेश्वर धाम सरकार की, पंडित धीरेंद्रजी शास्त्री की। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पुण्यनगरीमध्ये आज आपण पंडित धीरेंद्रजी शास्त्री यांच्या वाणीतून हनुमान कथा ऐकली। सलग 3 दिवस आपल्या पुणे शहरामध्ये पंडित धीरेंद्रजी शास्त्रींनी हनुमान कथा आपल्या समोर सादर केली। ही पुण्यनगरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आहे। याच पुण्यनगरीमध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक झाले, ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध संघर्ष केला आणि सिंह गर्जना केली की हा देश आमचा आहे, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवल्याशिवाय राहणार नाही। याच पुण्यातनं स्त्री शिक्षणाचा पाया क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंनी घातला, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी समानतेची चळवळ याच पुण्यात आणली। अशा पुण्यामध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा कार्यक्रम पंडित धीरेंद्रजी शास्त्री यांच्या रूपाने झाला आणि मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं गुरुजींचा आभार मानतो की आपण पुण्यामध्ये माझ्या आणि योगेश माझ्या आमच्या दोघांच्या विनंतीवरनं या पुण्यामध्ये आला आणि समोर बसलेल्या सगळ्या भाविकांना आपण मंत्रमुग्ध करून झालं, धार्मिक वातावरण या पुण्यामध्ये तयार केलं। खरं तर पुणे ही आपल्या महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे आणि या सांस्कृतिक राजधानीमध्ये आपण येऊन कथा सादर केली त्याबद्दल तर मी आभार व्यक्त करतोच, अभिनंदन करतोच, पण अभिनंदन यासाठी देखील करतो की आपण जो वसा घेतलाय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे स्वप्न होतं हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करायचं फडकवण्याचा प्रयत्न महाराज करत आहेत, म्हणून देखील मी त्यांचा आभार करतो सगळ्या पुणेकरांच्या वतीनं। आभार यासाठी देखील व्यक्त करतो की आपला देश आपली संस्कृती खूप जुनी आहे, हजारो वर्षांची संस्कृती आहे पुरानी ही, आणि या संस्कृतीचे विचार पुढे घेऊन भारताला आपल्या हिंदुस्थानला पुन्हा एकदा विश्वगुरुचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी आपले महाराज प्रयत्न करत आहेत। एवढं चांगलं काम गुरुजींकडनं चाललंय पण 2-4 लोक विरोध करतात,
मी विचारू इच्छितो समोर बसलेल्या लोकांना इथे किती लोक असतील, मोजू शकता कोणी? मोजू शकता का कोणी? लाखो लाखोंचा जनसमुदाय या ठिकाणी आहे आणि विरोध करणारे किती आहेत? अरे 10 लोक पण जमू शकत नाही असे विरोधक आहेत, त्यांना खुलं आव्हान देतो, खुलं आव्हान देतो, तुम्ही किती विरोध करा, असे कार्यक्रम महाराष्ट्रभर नाही तर देशभर नाही संपूर्ण विश्वामध्ये होतील आणि आपल्या आपल्याला जो अपेक्षित आहे हिंदू राष्ट्र तो झाल्याशिवाय राहणार नाही। कुठलीही घटना घडली की मेणबत्त्या पेटवायच्या आणि पुढे चालायचं असे माणसं असतात, ते विरोध करतात। पण आपण सर्वजण महाराजांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे माणसं आहोत। कुठलीही त्यांचं कार्य असल त्या कार्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी होऊ, खारीचा वाटा मुंगेचा वाटा आपण त्यांच्यासोबत वाटू, एवढंच या निमित्ताने सांगतो। आज गुरुजी आपल्या पुण्यामध्ये आलेत, आपल्याला पुण्याला एक प्रकारे आशीर्वाद प्राप्त झालाय आणि गुरुजींच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला पुण्याची प्रगती करायची, पुण्यामध्ये मेट्रोचं काम चालू आहे ते अधिक पुढे करायचंय, पुण्यामध्ये ओव्हरब्रिज झालेच पाहिजेत, पुण्याची मेट्रो वाढली पाहिजे, सर्व क्षेत्रामध्ये पुणे पुढे गेलं पाहिजे आणि आता मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली देश पुढे चाललाय, आपल्याला देश अजून पुढे न्यायचाय। आज या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी सहकार्य केलं असे संगमवाडीचे सर्व ग्रामस्थ ज्यांनी ही जागा पार्किंगची जागा सगळ्या जागा दिल्या त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। या ठिकाणी अनेक स्वयंसेवक माझे पदाधिकारी माझे सहकारी माझे मित्र 24 तास या कार्यक्रमामध्ये आयोजनामध्ये सहभागी झाले त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। पोलीस प्रशासन या ठिकाणी होतं, पुणे मनपा निकम मांडववाले होते, सगळ्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। गुरुजी आपल्या पुण्यामध्ये आले, गुरुजींचं मनापासनं मी आभार व्यक्त करतो। कुठल्या शब्दात गुरुजींचा आभार व्यक्त करावा हे सांगता येत नाही। खरं तर काल गुरुजींचं एक वाक्य ऐकलं, जो शेष है वही विशेष है। आणि एकदम भावूक होऊन गेलो। गुरुजींनी सांगितलं की जे आयुष्य आपण व्यतीत केलंय ते कसं केलंय, क्या खोया क्या पाया वो छोड दो, पुढचं आयुष्य जे आहे ते आयुष्य चांगल्या मार्गाने पुढे गेलं पाहिजे याचा विचार केला। आणि गुरुजींचं प्रत्येक वाक्य मनाला भावणारं होतं, ते वाक्य मी कधी विसरू शकत नाही। गुरुजी आपका मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारे पुणे शहर में आए, हमारे पुण्य नगरी में आपने पूरा भक्ति भाव का माहौल पर निर्माण किया है, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य यजमान परिवार का। और आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। यजमान परिवार से आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए, और मुख्य यजमान परिवार मौलिक परिवार आपसे भी आग्रह है कि आप यहां पर आ जाएं व्यासपीठ के पास पावन आरती के लिए। और आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हरि ओम चंद्रमा वनिसो जातृसोः सूर्यो वजायता स्रोता द्वाय सुप्राणस्य मुखाग्नि रजायतो। आरती की जय हनुमान लला की, पोष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से निर्बल का पे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंतन के प्रभु सदा सहाई, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुख लाए, लंका सुपोत समूत सिखाई, जात पवन सुत बार नलाई, लंका जार असुर संग धारे, सिया राम जी के काज
सवारे लक्ष्मण मुनि चित पड़े सकारे ताए सजीवन त्राण उबारे तक पताल तोरे अवतारे अरे रावण की भुजाओ तारे पाए भुजा सुर दलवारे कहे भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धार कपूर लोचाए आरती करते अंजना आरती गावे बस में पुण्य परम पद पावे राम तब तुलस किए रघुराई तुलसीदास कवि कीरति गाई आरती की जय हनुमान ललाकी दोस्त नरन रघुनाथ कला कानी चा पापानी जन्मांतर कृतानी चा तानी सर्वाणी निसंदो प्रदक्षिणायाम पदे पदे जले न शीतले गलनम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत दात्री शीतलाय नमो नमः देवाधिवंदनम आत्मादिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओ मंत्र पुष्पांजलम हरि ओम जगेन जगमय जंद देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नोम ते नाकम महिमाना स चंद्र चित्र पूर्वेश शांति देव हरि ओम एक दंदाय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो श्री दंदी प्रचोदयात हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामाभ्यं नमः ओम हनुमते नमः मन पुष्पांजलम समर्पयामि बागेश्वर धाम की जय हो बालाजी सरकार की सभी से निवेदन है शीघ्र सभी लोग मंच खाली कर दें वहीं से प्रणाम करके सभी से निवेदन हाथ जोड़ते हैं शीघ्र मंच खाली कर श्री तेरी सखी मंगल गौरी
सियाराम। कोई भी गुरुदेव भगवान को स्पर्श न करे एवं सभी रास्ता बना ले, रास्ता बना ले, कोई भी स्पर्श न करे, आप सभी से निवेदन है धक्का मुक्की ना करें, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अति शीघ्र पूज्य गुरुदेव भगवान को रास्ता दें और कोई भी धक्का मुक्की ना करें, किसी को कोई परेशानी ना हो। श्री